जिंदगी का साथ निभाता चला गया। चिल्लर चिल्लर आदमी भी मेरे पिताजी के साथ में, मैंने कसूर नहीं रहते हुए भी उनके साथ उनको मारपीट कर देते थे, मार होती थी, मेरा भरा खून खौलता था। मैं निरंजन, निरंजन दलपत बार से, गुनाह का अतीत बहुत पीछे छोड़ दिया है मैंने। अब जिंदगी नई है। कभी लोग खूंखार मानते थे मुझे, मेरे मासूम मन पर परिस्थितियों ने जो अत्याचार किया उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी वो। जुल्म के खिलाफ लड़ना कोई जुर्म नहीं, यही स्वभाव और यही प्रवृत्ति है मेरी। जन्म ठेप का संपादक निरंजन, यही पहचान है मेरी। 1958 की बात है, 11 अगस्त की, जब मेरी जिंदगी से मुलाकात हुई। जन्मदिन यही है मेरा। वैसे हमारा पुश्तैनी गांव महाराष्ट्र के अमरावती जिले में नांदगांव खंडेश्वर के पास है, जावरा। जावरा यही मेरी जन्मभूमि, और इस पुश्तैनी गांव में पुश्तैनी मजदूर मेरे पिता दलपत, दलपत बार से, जो गांव में ही एक जमींदार पटेल के घर नौकरी करते थे। नौकरी क्या, बेगारी थी वो। और हमारा समाज ही ऐसे है, गरीबी में पैदा हुई है, गरीब था, जातिवादी। मगर मैं देखा जुल्म अन्याय गरीबी पर होते, गरीब लोगों पर होते। मेरे बचपन की कुछ यादें मेरे पास है, जैसे मेरे पिता सुबह 7 बजे जमींदार के यहाँ जाते और देर रात में लौटते, दिन भर जानवरों की तरह काम करते और बदले में रूखी सूखी हमारी थाली में डालते। कभी पेट भर खाना देखा नहीं मेरे बचपन ने। वैसे ही स्कूल की एक घटना भी याद है मुझे। एक बार हम स्कूल में गए थे नांदगांव खंडेश्वर, 2 किलोमीटर है वहाँ से, पानी आया था, सब के लोगों के माँ बाप आए, मेरे माँ बाप को तो कुछ तैरना नहीं आता था, तो भाई ने बोला चलो डाल दे निरंजन को दी। इतना बड़ा बाढ़ थी बिमड़ा नदी में, हम तैरते तैरते चल निरंजन, मेरे भाई ने हौसला बढ़ाते बढ़ाते हौसला बढ़ाते रहा, साइड साइड में वो भी तैरता गया, हम बराबर निकल गए, कुदरत ने साथ दिया। तो वो आश्चर्य हो गया लोगों को, कैसे निकले करके, ऐसा लग रहा था कि मर जाएंगे। तो मैंने उस वक्त भी देखा कि कोई गरीब को साथ देते नहीं, ये जिंदगी में मैं देखते आया था। हम भाई बहने मिलकर 4, 2 भाई 2 बहने। भाई मनोहर मुझसे बड़ा, मेरे भाई के हिस्से में थोड़ी बहुत पढ़ाई तो आई, लेकिन पूरा परिवार जब रोटी की किल्लत से जूझ रहा था तो पढ़ाई कोई मायने रखती ही नहीं थी। एक समय कभी चूल्हा जलता था और बाकी पूरा वक्त पेट में आग सुलगती रहती थी, और इस आग को बुझाने पिताजी दिन भर जमींदार की गालियां सुनते थे। एक दिन की घटना है, तो मेरे पिताजी को एक दिन एक जन मार रहा, मैंने बोला अब ऐसे ठूसे भर रहा, मैं देख रहा मेरे पिताजी मार खा रहे, मेरा इतने दिन का खून खोल गया। बस उस वक्त मैं ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल का होगा, जो पत्थर उठाए जो मारा सर पर, उसके मुर्गी जैसा फड़फड़ाने लग गया। जमींदार तो अच्छा आदमी था, मेरे पिताजी की उम्र का ख्याल रखकर थोड़ा सम्मान से ही बात करता था, लेकिन उसका बेटा बड़ा घमेंडी था, बात बात पर पिताजी को अपमानित करता, और मैंने उसे पत्थर मारने की घटना से अब हमारे परिवार पर कहर पर अपना तय हो गया था, और हुआ भी ऐसा ही। उस वक्त से ऐसा मन
मैंने थरा जाता था, डरता था, भय रहता था कि आज क्या कुछ तो नहीं हुआ। भाई ऐसा बाहर जाता था खेलने के लिए, कहीं जाता था बाहर में तो कुछ आवाज़ आए तो ऐसा लगता कि भाई कुछ मारे, और मारते तीच हम लोगों का तमाशा बना के रख दिया था। फिर धीरे धीरे मैं बढ़ते रहा, मैं ये सोचता था कि मैं बस ऐसा बलवान बनूंगा। मैं रियाज मारता था, दंड पीसता था और दौड़ दौड़ लगाता था नानगांव खंडेश्वर। अब जमींदार ने पिताजी को काम से ही निकाल दिया, मुझ पर कोई कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन हमारा परिवार अब दाने दाने को मोहताज हो गया और मेरे पिताजी ने परिवार को जिलाने के लिए शराब बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे परिस्थिति हमारी भी अच्छी बन गई थी, मुझे खाना पीना थोड़ा दो टाइम की रोटी मिलने लग गई थी। अब जमींदार को हमारे परिवार के प्रति खुन्नस तो थी ही, और पिताजी का काम शराब बेचना ये कोई अच्छा काम तो नहीं था। अपराधी तत्व और पुलिस दोनों की दुतर्फा मार हम झेलते रहे। ऐसे में एक दिन मैंने देखा, वहाँ पे बाबा साहब का चबूतरा बनाई थी, चबूतरे पे बाबा साहब के नहीं बैठेंगे, बोला बगैर चप्पल से नहीं बैठेंगे, बीड़ी नहीं पियेंगे, ये मैंने कायदा लगा दिया था। बाबा साहब के प्रति अभी वो तो कम, जितना बोले उतना कम ही चाहिए आदर उनकी, तो हम पैर की भी बराबरी नहीं कर सकते। सुभाष नाम का वो भी कराटे सीख के आया नया नया लड़का मेरी बराबरी का, बोले आज मैं बैठता, बोले घर का लखपति था। देखा बोला क्या रे बाबा क्यों बैठा वहाँ पे, नीचे बैठ चप्पल पहन के, बोला तेरे बाप क्या गया। तो मैंने एकदम ठूसा मारा। मैं इसका अंजाम जानता था क्योंकि जमींदार के छोटे बेटे पर हाथ उठाना इसका मतलब ये होता था कि उसके बड़े भाई आत्माराम को ललकारना, और आत्माराम तो हमारे परिवार के पीछे लगा ही हुआ था। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और मेरे घर पहुंचने से पहले ही मेरे माँ बाप सख्ते में आ गए, सब घबरा गए, अब क्या होगा। परिवार का निर्णय हुआ हम दोनों भाइयों को गांव से बाहर भेज दिया जाए, और हम दोनों भाई अमरावती में नानी के पास आ गए। भाई कोर्ट में जाता था, मैं टेलर काम करता था, मैंने अमरावती में मौसी के पास में रहता था, तो हड्डियाँ किया, टप्पर टीन टप्पर किया, चुना वो टेकचन के ठाले में लकड़ी तक ये करा, खंती खोदा, गैया बकरे चराए, बहुत बहुत कष्ट किया मैंने। सलीम भाई बड़े अच्छे व्यक्ति थे, मैं उन्हीं के साथ टेलरिंग काम करने लगा, लेकिन यहाँ भी एक ऐसी घटना घटित हुई। सलीम को मारने लग गए, मैं बोला देखो ये मेरा मेहमान है, इसको हाथ मत लगाना गलती से भी, उसको मारने लग गए थे। तो मधु की खुन्नस मेरे ऊपर थी, मधु मेरे ऊपर दौड़ा, वहाँ की वो ताल की लकड़ी लिया, उसने जम के दौड़ा वो मेरे पीछे, मैं भागा, मगर मेरे हाथ में चैन थी, इसको मालूम नहीं था। मैंने चैन निकालना, जैसे वो मारने लग गया, अभी वो मैं नहीं वो अगर मैं मारूंगा नहीं तो वो मुझे मारता था। मैंने लिया लकड़ी चैन और घुमा दिया, सबा सब मारना चालू कर दिया सर पर, चिंगार निकलती थी रात के वक्त। मैं फिर गांव लौट आया, मेरे आने की भनक जमींदार के बेटे आत्माराम को भी लगी, और उसने उसके 8-10 साथियों के साथ मुझ पर हमला बोल दिया। तब मैं घर पर ही था। अभी इंटर होने के बाद में कोर्ट ऐसा ही चालू होना था, तो अभी वो कोर्ट में जैसे ही जा रहा तो मैंने गुप्ती निकाला, भका भक चाहती मेरा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो उन लोगों ने डंडे लाया, वो डंडे को चैन लपेट गई, चैन को चली नहीं मेरी वाली, वो लपेटने में आ गई, इतना मारे मेरे को डंडे डंडे से, वो बास्केट डंडे रहते हमारे अपने खेड़े में, उसको तूतिया बोलते। तो पिताजी आ गए डंडा लेके, उसको लगा कि मेरे हाथ में डंडा दिया तो मैं उनको मारूंगा, कहेगा वो डंडा देके, डंडा लाने के पहले उनको ही पड़ी, उनको भी बहुत मारे। एकाएक हुए इस हमले में मैं अधमरा सा हो गया, मेरे पिताजी तो बेहोश हो गए। खून से लथपथ मंडी लाया,
उन्हें गाड़ी में डाला तो देखा तो आगे में गाड़ी रोकी हम लोगों की, वहाँ से पलटा है, फिर सिरपुर से होते हुए नानगांव खंडेश्वर पुलिस स्टेशन में गाड़ी लाया। रिपोर्ट नहीं हुई, मेरा भाई रोता था, थानेदार के पास में बहन गिड़गिड़ाती थी, भाव हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं होगी। हमारा पूरा परिवार सहमा हुआ। एक विचार तो ये भी आया कि गांव छोड़कर कहीं दूर चल दे, लेकिन फिर सोचे यहां घर तो है रहने के लिए, बाहर कहां रहेंगे। लेकिन मेरे मन में बदले की आग भड़क रही थी, हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया था। और फिर एक दिन मुझे पता चला, जैसे गवाह देने के लिए आया जेल कोर्ट में, तो मैं देखा उसको अमरावती सेशन कोर्ट में, देखा वो 2:45 इंटर हो गया था। अभी इंटर होने के बाद में जेल कोर्ट ऐसा ही चालू होना था, तो अभी वो कोर्ट में जैसे ही जा रहा तो मैंने गुप्ती निकाला, भकाभक चाहती, खूब दौड़ रहे मेरे पीछे, मगर मैं कुछ मिला नहीं। और मैंने मेरे एक परिचित की सहायता से पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट में केस चली और फिर फैसले वाला दिन आया। जज साहब के सामने मैं कटहरे में खड़ा और कोर्ट में सन्नाटा। अब गुरु साहनी जज थे, उसने खुद ने जज फैसला मर्डर देखा था मेरा वाला, जिन जज ने फैसला किया था, तो बोला निरंजन कुछ बोलना है, और मैं गवाह के कटघरे में रह सकता था आज, मगर जज हूँ मैं और केस मेरे पर मेरे पास आ गई, मैंने खुद अपने आंखों से देखा तुमको हत्या करते हुए। मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैंने सिर्फ दया की याचिका, दया बोला, दया करने के लिए बोला कि साहब मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो दया पे और जज बातों पे तो केस चलने वाली नहीं थी, उन्हें बोला ठीक है, जो भी बोला सुन लिया उन्होंने, फिर बाद में मेरे को फांसी की सजा सुना दिया। सजाए मौत सुनकर मेरा पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगा, मैं भी सबसे गले मिलकर खूब रोया। लेकिन मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं था, दुख इस बात का था कि किसी पत्नी का पति किसी बेटे का बाप छीना गया, लेकिन जुल्म जबरदस्ती से निजात पाने का कोई और उपाय मेरे पास नहीं था। दूसरे दिन दो हाथ में हथकड़ी डाला मेरे वाले, फांसी वाले के दोनों हाथ में हथकड़ी डालते और नागपुर लाया। जब जेल में अदालत में हत्या किया तो कोर्ट का मर्डर वाला आया, कोर्ट का मर्डर वाला आया, और वहां से नागपुर गया तो फांसी वाला आया, फांसी मेरे नाम बदलते गए। फांसी की तारीख तय नहीं हुई थी और मेरे पास मौका था कि मैं इस सजा के खिलाफ अपील करूं, लेकिन मेरे पास वकील की फीस के पैसे तो थे नहीं। तो जेल में ही एक कैदी ने मुझसे कहा, तो वकील साहब को लेटर डाल दे। तो मैंने एक पत्र मांगा 15 पैसे का, लिखा उस पे। तीसरे दिन में वकील साहब आ गए, बोला शेर है घबराना नहीं, सुप्रीम से चुड़ा के लूंगा। फिर मेरा कुछ दिन के बाद में हाईकोर्ट केस लगा, मेरी तारीख का पीसी बताई गई, फांसी की सजा मुक्त हो गई और मुझे उम्र कैद सजा रह गई। उम्र कैद के बाद में मेरी ज़िंदगी, फिर उसके बाद में कई दिन ज़िंदगी चालू हो गई। क्लासिफिकेशन करते वहाँ पे मुझे टेलर काम दिया गया। अब जेल की सलाखें ही मेरी ज़िंदगी बन गई। मेरे गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था मैं। एक डेंजर कैदी के रूप में मैं जेल में फेमस हो गया। तो मेरी बड़ी इज्जत करते थे गौली कंपनी के, अरुण गौली कंपनी के, अरुण भाई के, और अमर भाई ये अश्विनी का जो केस वाला, अमर रविंद्र सावंत, वो भी मेरे साथ में रहे भाई, कई ये वाले रहे, मेरे को कई जेलों में ट्रांसफर करे उन लोगों ने, मैं एक जेल में भी सही नहीं रहा। फिर जेल खाने में मेरे हाथ से एक गुनाह हो गया, एक मर्डर हो गया, जेलर ने फिर डंडू मारा मेरे को, तो मैंने उसको टक्कर मार के दांत तोड़ डाला, हवालदार के दांत तोड़ा, मेरे को रत्नागिरी भेजी उन लोगों ने। 1997 में फिर मुझे वापस नागपुर जेल में लाया गया। मेरा गुस्सा गया नहीं था, मैं किसी भी जगह ठीक नहीं रहा, किसी भी बात में मैं क्रोधित हो जाता। ऐसे में जेल में एक ऐलान हुआ
कि कैदियों की मानसिक शांति के लिए विपस्सना शिविर लग रहा है, जो कैदी चाहे इसमें हिस्सा ले। उपासना उपासना बोलते थे तो मैं गुना खाने में था। मैंने देखा उपासना क्या है, बोले 10 दिन रहना पड़ता, बाहर का खाना खाने को मिलता 10 दिन। तो मैं किंगरे जेलर को रिक्वेस्ट करा, बोला साहब मैं भी बैठना चाहता हूँ। तो उसने सिर्फ गर्दन हिलाया और अभी तूने बोले धामने साहब पे डंडा उठाया, एक एक काम करते रहता। तो मैंने ऐसे तो आदमी सुधरने के लिए विपश्यना लाए ना, तो हमको होना चाहिए, हमारे जैसा कोई बदमाश है क्या? बोला 1997 के आसपास नागपुर सेंट्रल जेल में भी एक शिविर लगा और वो शिविर संचालन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, लोगों की सूची दी गई। तो उसमें बताया गया एक भाई का नाम, जिनका नाम निरंजन बारसे है, ऐसा बताया गया बड़े खूंखार कैदी है क्योंकि उन्होंने एक दो कुछ मर्डर किए हुए थे। और सबसे आश्चर्य बात ये बताने में आई कि एक मर्डर तो उन्होंने जेल के अंदर भी किया था। विपस्सना के मौन में मैं शांति अनुभव करने लगा, मुझे लगा कुछ बदल रहा है। गुरुजी ने फिर ध्यान साधना सिखाना चालू किया, पहले आनापान सिखाते, आनापान 3 दिन रहता है तो मन नहीं लगता था, मन ऐसा अच्छा होगा बैठने को मिला, ये जाऊंगा ऐसा करूंगा, बाहर जाऊंगा, बंगला लूंगा, कार लूंगा, गाड़ी लूंगा, इसको मारूंगा, उसका बदला चुकाऊंगा, ये मन में आता था। तो गुरुजी की वाणी होती थी अनित्य अनित्य, हम तो यही करते गए, यही बताते गए, यही सोचते रहे, रात होती गई ये सोचते रहे, सोचते सोचते नींद लगी, फिर दिन निकला, फिर वही खाना खाए, खाना खाने के बाद में वही सोचते गए क्या हासिल हुए, अभी जो है वो करके तो देखो, करो तो सही। गुरुजी की वाणी होती थी और मन सांस पर ध्यान देते लगता था, सांस पर ध्यान करते करते संवेदना देखते गए, फिर मेरी संवेदना ऐसा लगा कि बस 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद में कि ये महीना भर होना चाहिए, 1-2 महीने होना चाहिए, 6 महीने होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता था। फिर मैं समापन के दिन ऑटोमेटिकली आंसू आते थे, विपश्यना के बाद में मेरे को बहुत अच्छा लगने लगे। मुझे पता भी नहीं चला और मुझ में एक नेक दिल निरंजन जन्म पा गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अब मेरा गुस्सा पीछे छूटता गया और उसकी जगह शालीनता विनम्रता ने ले ली। मुझे पता भी नहीं चला और मुझ में एक नेक दिल निरंजन जन्म पा गया। लेकिन विपस्सना विधि की ताकत में समझ गया, बहुत अच्छा लगने लगा, मेरा केस छूट गया, मेरा लिखान आ गया, मेरे को छूटने को बस 3 महीने के बाद में मैं जेल से एकदम आजाद हो गया, मेरा लिखान आ गया और मेरे को माफी आ गई गवर्नमेंट से। ये चमत्कार कुदरत का हो गया, क्या क्या विपश्यना हुआ ये तो मैं समझता नहीं, मगर मैं छूट गया। छूटने के बाद में बाहर आया तो मैं ऐसा हीरो था, गांव में जाने के बाद में जैसा मुकद्दर का सिकंदर में जैसा अमजद खान जाता तो लोग देखते ऐसे दिख रहे थे मेरे को। अब जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी थी जहां से अच्छाई की राह बिल्कुल उजली दिखाई दे रही थी। मैं तो गांव जाने के बाद में मेरे से कुछ हो जाएगा ऐसा लगा था मेरे को, मगर मैं ध्यान साधना करता था, मैं दिखाना नहीं चाहता था कि मैं सुधर गया क्या, मैं सुधरा नहीं, मगर मैं समझ सकता था और विपश्यना करा हुआ आदमी समझ सकता है कि भाई अगला आदमी की मानसिकता क्या है। तो वहाँ पे 2 लड़की जैसी एक्टिव थी, हमारे पंडित थोड़ा हमारा मेरे आते भाई था, उनके घर में टीवी देखने आते थे तो बोला माँ काका 2 लड़की देखती तो बोला कौन कौन थी, तो मैंने उसका नाम बता दिया तो बोला अरे वो नहीं करेंगे, उसका बाप टेढ़ा है, तू इसके माँ को मैं समझाता पुष्पा ढोने, तो बोला ठीक है, उसने बात चलाया और मेरी शादी ऐसी हो गई। 500 रुपये के इसमें शादी हो गई, 200 रुपये में एक साड़ी ला लिया, फूल का हार डाल दिया, झंडे पे जैसा छोटा सा झंडा है हमारे यहाँ पे चबूतरा, वही झंडे के पास में शादी हो गई। फिर मैं अपनी नई जिंदगी के संग नागपुर चला आया।
किराए का घर लिया तो उसमें कुछ भी नहीं थे, बर्तन नहीं, कुछ नहीं, हमको कोई बर्तन नहीं मिले ना कपड़े मिले। तो कौन सा काम करूँ मैं, पूछा मेरी पत्नी को। बोला रिक्शा चलाओ, होटल में काम करो, या तो सिक्योरिटी में। तो बोले तुम्हें सिक्योरिटी काम करा, सिक्योरिटी में काम कर लो। बोले आप मेरा चलो अच्छा सिक्योरिटी में, मैंने बैटलगढ़ सिक्योरिटी, धार साहब की सिक्योरिटी है, उसमें काम करा मैंने। ये सफर बड़ा कठिनाई भरा रहा। उस दौर में मैंने किताबें भी बेची, जो मिल सका वो काम किया, लेकिन मेरी पत्नी का साथ मुझे नई प्रेरणा देता था। मैं निराश नहीं हुआ। जब गांव के लोग बोलते तू शादी करेंगी तो तू इसको बेच डालेंगे, तो फिर क्या करेंगी, पहले से जेल का आदमी है तो क्या करेंगी, बेचेंगे। फिर भी मैं नहीं मानी, फिर शादी की। फिर पहले तो बहुत मुसीबत के दिन आ गए, थोड़े थोड़े दिन अच्छे अच्छे आ गए, फिर सब अच्छा है। अब सब घर भी मेरे नाम है, सब मेरे से नाम है, और अच्छी ज़िंदगी चाल। और मेरी स्टोरी चली फिर, हाँ मैंने खून किया, मगर क्यों, आज के सूर्य भारत में मैं प्रसिद्ध होने लग गया, नागपुर के लोग मेरे को पहचानने लग गए, अच्छे अच्छे लोग मेरी इज्जत करने लग गए, और मेरी परिस्थिति बदलने लग गई। राठी सर हर वक्त में मेरे को पैसा पानी देते थे, मेरे जेब में डाल देते थे। बाहर आने के बाद मेरे सामने कौन सा रास्ता है, उपजीविका के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या करूँगा मैं, दुनिया मुझे अपराधी कहेगी, खूनी कहेगी, मेरे से नफरत करेगी, मुझसे दुत्कार करेगी, मेरे साए से भी दूर रहेगी। हमने कहा हम एक छोटा सा मैगजीन चला रहे हैं, आज का सुरेख भाजपा, राहुल तेलंग और मैं उसके संपादक हैं, अगर आप चाहो तो हम उस मैगजीन में आपको छोटी सी नौकरी दे सकते हैं। मैंने सोचा कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, कुछ और भी काम करना चाहिए। मन की ताकत तो मैंने पहचान ली थी, अब कलम की ताकत को आजमाने लगा। काम की मेरे पास कम नहीं है, और मेरा एक छोटा सा साप्ताहिक है जन्मठे पेपर। हमारे यहाँ धम्म सुगति उपासना केंद्र में हर इतवार के दिन सामुदायिक साधना होती है, कम से कम 300-400 लोग साधना में रहते हैं, जो पुराने साधक एकत्रित होते हैं, उन्होंने भी 10 दिन के उसके बाद में और भी शिविर किए, और हर इतवार को वो यहाँ पर साधना के लिए आते हैं, उनके साथ में उनकी पत्नी होती है, कभी कभी बच्चों को भी लेके आते हैं। पर उन्होंने ईमानदारी और मेहनत को अपना हथियार बनाकर आज पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है और दिन ब दिन तरक्की की है। जिंदगी में संघर्ष क्या होता है मैंने बड़े ही करीब से देखा है। ये जो मेरा मकान आप देख रहे हैं, एक जर्जर झोपड़ा हुआ करता था यहाँ। आज मेरे पास में जो एक अमीर के घर में रहता वो सब सारी सुख सुविधा है, मोटर गाड़ियाँ है, ये मोटरसाइकिल है, और मोटर गाड़ी भी लूँगा। आज मैं इस मुकाम पर कार्यकारी अधिकारी हूँ, विशेष कार्यकारी अधिकारी, और बच्चन को पढ़ाई करूँगा, बच्चन को बड़ा बनूंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, ऐसा मेरा सपना है। मेरे पापा तो हमेशा हंसी मजाक में हमारा घर का माहौल रहता है, वो हमेशा हमें पढ़ाई, खेलकूद और शारीरिक विकास का बोध कराते हैं। मम्मी भी अच्छी है, वो हमारे साथ अच्छे से रहती है। हमेशा मेरे पापा मम्मी कहते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे पढ़ाई मार्क्स से अपनी इज्जत और बढ़ती है, और मेरे पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं। अब जिंदगी से खुश हूँ। यह हमारा विपस्सना केंद्र है जिसने मेरी जिंदगी बदली। अब मैं लोगों का मित्र, कार्यकर्ता, पत्रकार, संपादक, ये सब कहलाता हूँ। अब लोग डरते नहीं मुझसे, अपने सुख दुख मुझसे बांटते हैं। मैं जो 18-19-20 साल की उम्र में रहते, जैसे जिस रंग में रंग कपड़ा भिगाएंगे वो रंग चढ़ता है, उस लोगों को गुमराह ना होना होने देना चाहता। तुम जज्बात में आकर गुनहगारी का रास्ता छोड़ दो, कोई व्यसन मत करो, बड़ा बने। सबसे बड़ी कमजोरी गरीबी है, सबसे बड़ी लाचारी कमजोरी है, सबसे गरीबी है, और कमजोर आदमी को कभी न्याय मिलता नहीं। इसलिए पढ़ो, बड़ा बनो। जीवन बदला, दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला।
ना वो दिल ना सनम ना वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे।